इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर से कोरोना बेदखल होता दिखाई दे रहा है, ना सिर्फ बेलगाम शहर से बल्कि दुनिया से ही बेदखल होता दिखाई दे रहा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि पूरे बेलगाम जिले में सिर्फ 5 लोग ही पॉजिटिव पाए गए। अचानक पॉजिटिव मरीजों में घटती तादाद से जो लोग डर कर घर में बैठे थे, वो कुछ हिम्मत जुटाकर घर से बाहर झांक रहे, क्योंकि कुछ लोग अभी भी डरे हुए हैं। कुछ लोग तो अब भी कोरोना को गोया मलकल मौत की तरह देख रहे हैं। अब इसमें भी आपको दो गिरोह मिल सकते हैं, किसी को कोरोना बड़ा खतरनाक लग रहा है तो किसी को कोरोना साजिश है, और जबकि अब सिर्फ 5 लोग ही पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो कोरोना को साजिश करने वालों की भी तादाद अब आहिस्ता बढ़ भी रही है। कुछ लोगों ने तो इसे आलमी साजिश कहना पहले से ही शुरू किया था, बिल गेट्स फाउंडेशन ने। यहां तक कि बिल गेट्स फाउंडेशन ने जब मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को अवार्ड से नवाजा था, तो यह नवाजना भी इसी साजिश का हिस्सा कहा जा रहा था। खैर, अब जब भारत से कोरोना ने अपना कहर नाजिल किया था, पर बिना किसी वैक्सीन के ही अचानक गायब होने का फैसला कोरोना ने कैसा लिया, यह भी एक सवाल है। लिहाजा कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी का ऐलान भाजपा हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। बिहार चुनाव के मद्देनजर लाखों करोड़ों के पैकेजेस के साथ कोरोना वैक्सीन भी दी जाएगी, और यह ऐलाननामे में हमने वादा किया है, ऐसा मोदी नीतीश कुमार की जानिब से कहा जा रहा है। गोदी मीडिया ने पहले ही भाजपा गठबंधन की जीत का फैसला सुनाया है। वजीर आजम मोदी ने मन की बात के जरिए खतरा टला नहीं है कहते हुए हजारों की भीड़ भी इकट्ठा की। वैसे भी कोरोना से भाजपा के कई लीडरों की मौत हुई होगी, पर भाजपा के लोग कोरोना प्रूफ होते हैं। नमस्ते ट्रंप से लेकर बिहार चुनाव तक एक नजर दौड़ा कर देखो। दूसरों के लिए पाबंदियां होगी, पर प्रधानमंत्री मोदी, योगी, शाह, येडियुरप्पा तक और इनके हिमायतियों के लिए कई इजलास सोशल डिस्टेंसिंग तक नजर नहीं आएगा। आपको इस हुकूमत की यह खुसूसियत पर भी अजीब लगेगा कि सबसे पहले जो शुरू किया इन्होंने वो थी शराब की दुकानें, और शराब के उस दौर में कोरोना तो अपने शबाब पर ही था। खैर, अब कोरोना आखिरी सांसें ले रहा है। वैसे तो WHO ने जन्म जन्म का साथ की तरह हमेशा रहेगा की बात कही थी, पर शायद लगता है कि कोरोना ने ही खुद फैसला लिया है कि उसे चले जाना ही बेहतर है। रेमडेसिविर जो दवा है उसे ही अब कोरोना की दवा कही जा रही है, पर इस दवा पर भी दो मुख्तलिफ राय देखी जा रही है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे मंजूरी तो दे दी है, पर WHO का कहना है कि यह जान नहीं बचा सकता, लिहाजा आलमी सेहत तंजीम ने रेमडेसिविर पर खबरदारी लेने की बात कही है। भारत में भी ऐसे कई डॉक्टर्स थे जिन्होंने कोरोना को महज नौटंकी कहा। उनका यह भी कहना था कि पहले चारों तरफ डर का माहौल बनाया गया, अस्पतालों को बंद किया गया, मेडिकल से दवाइयां देना बंद कर दिया गया, और हर मौत को कोरोना से जोड़ा गया। डॉक्टर विश्वजीत राय हो, डॉक्टर सौरभ सेन और भी दिगर डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना महज फ्लू की तरह, और जितना इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है ये तमाम WHO के इशारे पर है। मौतों के आंकड़ों पर भी सवाल खड़ा किया गया। इनका कहना था कि हुकूमत जितना चाहती है इसे बढ़ाती है, घटाती है। अब सच्चाई क्या है इसका इल्म तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि इतना जरूर है कि कुछ मुल्कों ने WHO की बात नहीं मानी और ना तो लॉकडाउन पर अमल किया, ना किसी मास्क या सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया, जिसमें खासकर तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, साउथ कोरिया, स्वीडन और भी दिगर ममालिक है जहां पर कोरोना का असर नहीं दिखाई दिया। जबकि शुरुआत में चाइना से हवाई जहाजों का आना शुरू था, पर बाद में बंद कर दिया गया। अगर वाकई कोरोना आलमी वबा चीन से ही आई है तो इन मुल्कों में इसका असर क्यों नहीं रहा, ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा है। भारत में लॉकडाउन कई महीने तक चला, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान बचाने का दावा मोदी हुकूमत कर रही है। अगर इस लिहाज से तो जिन मुल्कों में लॉकडाउन नहीं किया गया तमाम लोगों को मर जाना चाहिए था। अब सवाल तो उठेंगे और पूछा भी जाएगा, भारत की मोदी हुकूमत से आवाम सवाल पूछ ही रही है, आखिर इतने जल्दबाजी में क्यों लॉकडाउन का फैसला लिया गया। सच्चाई अब भी आवाम के सामने आना बाकी है। लोग तो मरे हैं, सांस की तकलीफ भी हो रही थी। जैसे कहा जाता है कि कोरोना से सांस की तकलीफ होती है, निमोनिया को ही कोरोना कहकर
डराया गया है, ऐसा भी कहने वाले लोग माशरे में पाए जा रहे हैं। खैर, अब बीमारी की विदाई हो रही है, पॉजिटिव मरीज ना के बराबर है, कारोबार धीरे धीरे अपनी रफ्तार को थाम रहे हैं, स्कूलों कॉलेजेस को शुरू करने का फैसला लिया गया है। पहले कॉलेजेस अगले महीने से शुरू होने जा रहे हैं, फिर स्कूलों को भी शुरू किया जाएगा। कोरोना का एक अजीब दौर आवाम ने देखा, शायद इस दौर को किसी ने इससे पहले नहीं देखा होगा। इतना जरूर है कि कोरोना आखिरी सांसें ले रहा है, जल्द कोरोना की मौत हो जाए, ताकि बिना वैक्सीन के कोरोना की मौत होती है तो वैक्सीन पर सियासत नहीं खेली जाती। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।